हेलो एंड वेलकम टू देवटेक फाइनेंस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप होम लोन लेने जा रहे हैं तो क्या आपको अपना होम लोन किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जैसे कि LIC हाउसिंग फाइनेंस, PNB हाउसिंग फाइनेंस, SBFC या बजाज फिनसर्व से लेनी चाहिए, या फिर आपको अपना होम लोन किसी बैंक से लेना चाहिए जैसे कि SBI, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा एक्सेट्रा। तो आज के इस वीडियो में इस कंफ्यूजन को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। हम एक कंपैरिजन करेंगे बैंक्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के बीच, दोनों के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, दोनों में फॉल्ट्स क्या है, यानी फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं दोनों के, किन कंडीशंस में आपको बैंक के साथ जाना चाहिए, कब आपको हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को कंसिडर करना चाहिए, कौन सा आपके लिए ज्यादा सहूलियत वाला रहेगा, या फिर दोनों का इंटरेस्ट रेट कैसे इफेक्ट करेगा आपके लोन को, इन सारे पॉइंट्स को हम इस वीडियो में कंसिडर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला डिफरेंस जो आपको जानना है वो ये है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एक तरह का नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। तो बहुत लोग इसे बैंक की तरह ही समझ लेते हैं जबकि ये बैंक नहीं है, ये बैंक से अलग है। ये NBFC है, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जिसका मेन काम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का मेन काम होता है लोन प्रोवाइड करना घर खरीदने के लिए या घर बनाने के लिए। तो इसमें इसका स्पेशलाइजेशन रहता है, लेकिन है ये एक NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अब क्योंकि ये NBFC है तो ये कंपनीज एक्ट की तरह रजिस्टर्ड होती है और इससे अपना लाइसेंस नेशनल हाउसिंग बैंक से मिलता है। नेशनल हाउसिंग बैंक वो रेगुलेटरी बॉडी है जो सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को लाइसेंस प्रोवाइड करती है और गाइडलाइंस, इन्हीं के गाइडलाइंस के थ्रू सारी कंपनीज वो रन करती है। और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड रहती है क्योंकि ये एक तरह की NBFC है। जबकि अगर हम बात करें बैंक्स की, तो आप सबको पता होगा कि बैंक्स RBI के द्वारा रेगुलेट होती है। RBI रेगुलेटरी बॉडी है जो कि सारे कमर्शियल बैंक को गवर्न करती है। तो ये हो गया पहला डिफरेंस जो आपको ध्यान में रखना है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी NBFC है जिसका लाइसेंस नेशनल हाउसिंग बैंक प्रोवाइड करती है और गाइडलाइंस भी वही जारी करती है, जबकि बैंक्स जो है वो RBI के द्वारा रेगुलेट होती है। तो दोनों में ये काफी बड़ा अंतर है। अब हम बात करेंगे कि दोनों अपना इंटरेस्ट रेट कैसे डिफाइन करते हैं, बेंचमार्क क्या है। तो आपको पता होगा कि प्राइमरी डिफरेंस जो एक बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बीच होता है वो अपना इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो होती है वो प्राइम लेंडिंग रेट को फॉलो करती है जो कि एक इंटरनल बेंचमार्क है। जबकि अगर हम बात करें बैंक्स की तो वो MCLR और अब रेपो लिंक्ड रेट फॉलो करती है। तो वो हम देखते हैं। Banks were mandated by the RBI to follow marginal cost of funds based lending rate for all loans after April 2016. तो April 2016 से सारे banks को MCLR यानी marginal cost lending rate इसके through अपना home loan का जो rate है वो decide करना था। तो home loan का जो rate है वो decide होता है bank के cost के according, कितना उसे cost हो रहा है, कितनी उसकी profit हुई, इन सारे चीजों को कैश रिजर्व्स क्या रखने पड़ते हैं RBI के पास, इन सारे चीजों को कंसिडर करके, बेस रेट को कंसिडर करके, कितना वो लोग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके वो लोग अपना एक मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट डिसाइड करते हैं और उसी के थ्रू अपना होम लोन कितने किस रेट पे प्रोवाइड करना है वो डिसाइड करते हैं। अब ये जो है ये 2016 से एप्लीकेबल था सारे बैंक्स को कि उन्हें मार्जिनल कॉस्ट फॉलो करना था। लेकिन अगर हम बात करें 2019 की, अभी 2020 है, 2019 अक्टूबर से RBI ने ये मैंडेट कर दिया कि सारे बैंक्स को अपना फ्लोटिंग रेट होम लोन, यहाँ हम फ्लोटिंग रेट होम लोन की बात कर रहे हैं, आपको पता होगा डिफरेंस फिक्स्ड रेट में इंटरेस्ट रेट सेम रहता है, तो वहाँ MCLR या PLR का ऐसा कोई काम नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट रेट पूरे टेन्योर में सेम ही रहने वाला है। लेकिन जब हम फ्लोटिंग रेट होम लोन्स की बात करते हैं तो वहाँ रेट वैरी करता है, इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है आपको ये जानना कि कहीं आपको इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा,
कैसे आप नुकसान को कम कर सकते हैं और सही तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। तो आरबीआई ने अक्टूबर 2019 से ये मैंडेटरी कर दिया कि सारे बैंक्स को अपना जो होम लोन का इंटरेस्ट रेट है यानी फ्लोटिंग रेट जो लोन है वो एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक करना है। एक्सटर्नल बेंचमार्क यानी रेपो रेट। तो आपको पता होगा जब आरबीआई रेपो रेट घटाएगी या बढ़ाएगी उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बैंक पे आएगा। बैंक ने जो होम लोन प्रोवाइड किया है फ्लोटिंग रेट वाला उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये आरबीआई ने मैंडेट कर दिया कि अगर रेपो रेट इतना रहेगा तो आपको भी उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे और अपने कस्टमर्स को यानी कि अपने बोरोवर्स को वैसे ही प्रोवाइड करना होगा। अगर हम बात करें हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का तो ये लोग फॉलो करते हैं प्राइम लेंडिंग रेट। अब प्राइम लेंडिंग रेट अगेन इंटरनल बेंचमार्क है जो कि इनके कॉस्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, वो भी एवरेज कॉस्ट। ये अपने एवरेज कॉस्ट को कंसिडर करते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि इन्हें अपने बोरोवर्स को किस रेट पे होम लोन देना है। और इस प्राइम लेंडिंग रेट को बढ़ाने या घटाने का जो पूरा हक होता है ये इन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के पास होता है। तो ये किसी भी तरीके से उसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं अगेन फ्लोटिंग रेट होम लोन्स की। तो ये मेजर डिफरेंस हुआ जो कि आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज से लोन ले रहे हैं तो उनका जो होम लोन होगा वो प्राइम लेंडिंग रेट से लिंक्ड होगा जिसका इफेक्ट जिसपे रेपो रेट का इफेक्ट उतनी जल्दी नहीं आता है। ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि उन्हें कितना बढ़ाना है कितना घटाना है, उन्हें कब इंक्रीज करना है कब डिक्रीज करना है, ये पूरी तरह से उनकी चॉइस होती है। तो ये एक नुकसान हो जाता है जबकि ये फायदा हो जाता है बैंक्स के लिए क्योंकि बैंक्स का रेट आप देख लो 2016 से वो MCLR था। MCLR की अगर हम बात करें तो वो भी रेपो रेट से काफी लिंक्ड रहता था। यानी अगर रेपो रेट में चेंजेस होते हैं तो विद इन 3 months 6 months या फिर इवन 1 month 1 महीने के अंदर भी बैंक अपना रेट रिवाइज करके आपको वो बेनिफिट प्रोवाइड करती, डिक्रीज करके या इंक्रीज करके जो भी उस वक्त रेपो रेट की कंडीशन रहती। तो MCLR भी कहीं ना कहीं रेपो रेट से लिंक्ड था, उससे काफी इफेक्टिव था। लेकिन उसके बाद अक्टूबर 2019 से पूरी तरह से इसे रेपो रेट से लिंक्ड कर दिया गया ताकि सही तरीके से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। अगर रेपो रेट कम हुआ या ज्यादा हुआ तो उसका बेनिफिट कस्टमर्स को डायरेक्ट मिले, बोरोवर्स को डायरेक्ट मिले, इसके लिए ये इनिशिएटिव लाया गया और सारे बैंक्स ये फॉलो कर रहे हैं। तो न्यू बोरोवर्स जो होंगे उन्हें रेपो लिंक्ड लोन रेट मिलेगा तो उनके लिए ये काफी सहूलियत वाला हुआ क्योंकि इकोनॉमी डाउन चल रही है, ऐसे में रेपो रेट घटाया जा रहा है आरबीआई के द्वारा तो बेनिफिट बोरोवर तक भी पहुंचना चाहिए, उन्हें भी होम लोन उनके भी होम लोन के जो रेट्स है वो डिक्रीज होने चाहिए, अपने आप एप्लीकेबल होना चाहिए, स्विचिंग चार्जेस ना देने पड़े एक्सेट्रा, इन सारी चीजों को कंसिडर करके। तो ये हो गया जो मेन पॉइंट है आपको ध्यान में रखना है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और बैंक के बीच ये मेजर डिफरेंस होता है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज अपना खुद का PLR फॉलो करती है जो कि उनका इंटरनल बेंचमार्क है जबकि बैंक सभी रेपो लिंक्ड रेट फॉलो कर रही है जो कि एक्सटर्नल बेंचमार्क है। तो ऐसे में बोरोवर्स के लिए ज्यादा सही रहता है कि वो RLLR को फॉलो करे और वैसे वाले होम लोन की तरफ जाए। अब हम दूसरे फैक्टर्स को भी कंपेयर कर लेते हैं। वो तो हो गया बस एक जो मेन फैक्टर है, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बोरोवर्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज या बैंक्स को प्रेफर करते हैं तो उसके बारे में हम एक बार डिस्कस कर ले। तो यहाँ पहला है क्रेडिट स्कोर। अब आपको ध्यान में रखना है कि बैंक्स का जो प्रोसेस होता है ड्यू डिलीजेंस का वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है। ऐसे में अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है, यहाँ गुड क्रेडिट स्कोर की हम जब भी बात करेंगे तो हम मान के चल रहे हैं कि 750 से ज्यादा क्रेडिट स्कोर जो है वो 300 से 900 के रेंज में रहता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर रहा यानी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी थी और आपको लोन इजीली मिल सकता है। लेकिन अगर आपका क्रेडिट स्कोर उसके नीचे रहा तो उसे पुअर कंसिडर किया जाता है और ऐसे में आपको लोन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बैंक्स का जो ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस होता है वो काफी स्ट्रिक्ट होता है और आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं रहा तो वो आपके लोन को अप्रूव नहीं करेंगे। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपने पास्ट में जो भी लोन्स लिए हैं उसकी EMI आप सही तरीके से आपने पे किया हो, कोई डिफॉल्ट ना किया हो। आप एक बार अपना क्रेडिट स्कोर ऑनलाइन भी चेक करके देख ले कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है
तो आप बैंक से लोन ले, क्योंकि वैसे में आपको लोन इजिली मिल जाएगा और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपका क्रेडिट स्कोर किसी भी वजह से कम हो गया है, आपने कोई डिफॉल्ट किया था पास के लोन पे, आपने क्रेडिट कार्ड के बिल नहीं पे किए थे, ये सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको लोन के रिक्वायरमेंट है और बैंक आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो वैसे में आपको हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के पास जाना पड़ेगा। और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज इस मामले में थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, आपका क्रेडिट स्कोर कम हुआ फिर भी वो आपको हाई क्वांटम के लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस हुआ, अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आप बैंक से लोन ले सकते हैं, अगर लेकिन क्रेडिट स्कोर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, पुअर क्रेडिट स्कोर है, तो आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के पास जा सकते हैं, वो लोग इस मामले में फ्लेक्सिबल रहते हैं और आपको लोन प्रोवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है क्वांटम ऑफ लोन। क्वांटम ऑफ लोन यानी आपको कितना लोन मिल सकता है। तो बैंक जनरली जो है वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के कंपेयर में कम लोन प्रोवाइड करती है, क्योंकि मेन डिफरेंस क्या होता है कि बैंक जब भी आपको लोन प्रोवाइड करेगी वो स्टैंप ड्यूटी या फिर रजिस्ट्रेशन चार्जेस को इंक्लूड नहीं करती है, जबकि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो होती है वो स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, इन सारी चीजों को कंसिडर करके, जो कि कुछ 3 लाख से 5 लाख तक वैरी कर सकता है, इन सारी चीजों को भी कंसिडर करके हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आपको ज्यादा लोन प्रोवाइड करती है एज कम्पेयर टू बैंक। तो बैंक आपको थोड़ा कम लोन प्रोवाइड करेगी, आपके प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग आपको स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन कॉस्ट नहीं प्रोवाइड करेगी, जबकि आपको अगर ज्यादा लोन चाहिए, आपके पास बिल्कुल फंड नहीं है कि आप खुद के पास से लगा सके, तो वैसे में आपको हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लेना बेहतर रहता है, क्योंकि वो ज्यादा लोन आपको प्रोवाइड कर सकती है, आपके सारे कॉस्ट को बेयर कर सकती है। अब नेक्स्ट हम देख ले डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं वो सेम ही होते हैं, वेदर हम हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की बात करें या फिर बैंक की बात करें, सेम डॉक्यूमेंट्स लगता है। आइडेंटिटी प्रूफ होगा आपका, आपके प्रॉपर्टी पेपर्स होंगे, आपका रेसिडेंस प्रूफ होगा एटसेट्रा। लेकिन जो टाइम होता है इन सारे प्रोसेस में, डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस में, अप्रूवल के प्रोसेस में, वो टाइम जो है वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में कम होता है। तो चांसेस होते हैं कि अगर आपको लोन जल्दी चाहिए, आपको ज्यादा वेट नहीं करना है, तो आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लोन लेते हैं, क्योंकि वो लोग जल्दी अप्रूव कर देते हैं और आपका डॉक्यूमेंटेशन काफी सिंपलर रखते हैं। लेकिन बैंक्स में पूरा एक लेंदी प्रोसेस फॉलो होता है और इस वजह से अप्रूवल टाइम में काफी देर लग जाती है, तो आपको लोन मिलने में थोड़ा वक्त लग सकता है बैंक के थ्रू एज कम्पेयर टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। अब यहाँ आपको ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि बैंक जो है वो RBI से रेगुलेट होती है और RBI ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि बहुत सारे डिफॉल्ट्स होते हैं, बैड डेब्ट्स होते हैं, लोग अपना लोन नहीं चुका पाते, बाद में उनका लोन पूरा बर्डन हो जाता है बैंक के ऊपर। तो बैंक को ये मैंडेटरी है कि वो अच्छे तरीके से आपका ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस करे, पूरे आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करे, अप्रूव करवाए, और इन सारे प्रोसेस को रिपीटेडली करने में काफी टाइम लग जाता है एज कम्पेयर टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के गाइडलाइंस उतने स्ट्रिक्ट नहीं है जितने की बैंक्स के हैं, तो इस वजह से समय लगता है। अगर आपने प्री प्लान कर रखा है तो आप बैंक के थ्रू ले सकते हैं, आपको कोई हरी नहीं है। लेकिन अगर आपको तुरंत ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है, तुरंत आपको परचेज करना है और आपने कोई प्री प्लान नहीं किया था इस बारे में, तो वैसे में आपको हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के पास जाना पड़ सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की। तो जब हम होम लोन की बात करते हैं, ये काफी लंबा टेन्योर होता है, 10 साल से लेकर 30 ईयर्स तक आप अपने लोन का रीपेमेंट करते रहते हैं EMIs के थ्रू। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपना इंटरेस्ट कम से कम कर सके, और इसका एक तरीका होता है प्री पेमेंट करना, यानी जब भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आए आप प्री पे कर दे अपने लोन अकाउंट में, उससे आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा और कम समय में ही आप अपना लोन पूरी तरह से फोरक्लोज कर पाएंगे, बंद कर पाएंगे। तो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को कंसिडर करना जरूरी है। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज प्रोवाइड नहीं करती है, ये केवल बैंक्स में प्रोवाइड होता है। ओवरड्राफ्ट यानी आपके अकाउंट में जितना पैसा है आप उससे ज्यादा पैसा बैंक से ले सकते हैं और अपने अकाउंट में रख सकते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के थ्रू। इस पे जो चार्जेस लगते हैं वो आपके होम लोन इंटरेस्ट रेट से काफी कम होता है, ये कहीं
2 से 3% के चार्जेस लगते हैं आपके ओवरड्राफ्ट पे। तो वैसे में आप क्या कर सकते हैं कि ओवरड्राफ्ट के थ्रू अपने अकाउंट में ज्यादा पैसा ले सकते हैं और बिना डिफॉल्ट किए आप उस पैसे को अपने ईएमआई यानी लोन अकाउंट में आप डाल सकते हैं, जिससे कि उसे प्री पेमेंट की तरह कंसिडर किया जाएगा। तो आप एक तरफ से ओवरड्राफ्ट लेकर अगर प्री पेमेंट में डाल रहे हैं तो होम लोन जिसपे आपका इंटरेस्ट रेट कुछ 7-8% है और ओवरड्राफ्ट पे 2% है, तो आपको काफी बेनिफिट मिल जा रहा है। एक तरफ आप अपना होम लोन जल्दी से जल्दी पे कर दे रहे हैं और इधर आपको रेट कम देना पड़ रहा है उसपे। तो ऐसे में ये बेनिफिट होता है बैंक्स के थ्रू कि आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हैं वहां से और एक ज्यादा चार्जेस भी नहीं होते और अपने होम लोन का आप प्री पेमेंट भी कर पाएंगे, जबकि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करती। ओके, तो अब तक हमने सारे फैक्टर्स को कंसिडर कर दिया, कैसे इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब आप यहाँ एक क्विक ओवरव्यू देख सकते हैं, मैंने कुछ टॉप के बैंक्स का और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का कंपैरिजन किया है, उनके इंटरेस्ट रेट, उनके बेंचमार्क टाइप और प्रोसेसिंग फी के अकॉर्डिंग। तो अगर आप होम लोन लेने का सोच रहे हैं तो आप इस चार्ट को देख सकते हैं और कंसिडर कर सकते हैं कि कहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम है, बेंचमार्क क्या है, प्रोसेसिंग फी क्या है। इन तीनों चीजों को कंसिडर करके आप अपने होम लोन का डिसीजन ले सकते हैं। तो आप इसे एक बार देख ले, SBI का 6.95% करेंट इंटरेस्ट रेट है, बेंचमार्क रेपो लिंक्ड है, जो हमने कहा था कि ये बेनिफिशियल होता है आज के टाइम पे, अक्टूबर 2019 से ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। ये मोर ज्यादा ट्रांसपेरेंट रहता है क्योंकि अगर रेपो रेट में कुछ भी चेंजेस हुआ तो बोरोवर्स को डायरेक्ट फायदा मिलता है, तो इसे आप ध्यान में रख के चले। प्रोसेसिंग फी यहाँ पे मिनिमम 4,000 या मैक्सिमम 17,400 तक है, या फिर परसेंटेज वाइज 0.20% है आपके लोन अमाउंट का। HDFC का अगेन 6.95%, यहाँ इनका बेंचमार्क PLR है। तो आपको ध्यान में रखना है कि HDFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। कुछ लोग समझते हैं कि HDFC बैंक जब वो बात करते हैं तो इट्स ओनली HDFC बैंक, लेकिन आपको ध्यान में रखना चाहिए HDFC की जो पेरेंट कंपनी है वो है HDFC लिमिटेड, यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये हाउसिंग कंपनी है, जब अपना होम लोन प्रोवाइड करती है तो ये PLR को ही कंसिडर करती है, यानी प्राइम लेंडिंग रेट। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में 7% है, अगेन ये रेपो लिंक्ड है क्योंकि ये एक बैंक है और यहाँ प्रोसेसिंग फी मिनिमम 7,500 है। वैसे ही आप ICICI बैंक का देख सकते हैं, एक्सिस बैंक का, PNB हाउसिंग फाइनेंस का, PNB बैंक भी है, PNB हाउसिंग फाइनेंस भी है। तो आप दोनों को ध्यान में रख के चले कि आप कौन सा कंसिडर कर रहे हैं। नेक्स्ट LIC हाउसिंग फाइनेंस का आप देख सकते हैं, सबसे कम इंटरेस्ट रेट है, लेकिन इसका बेंचमार्क अगेन प्राइम लेंडिंग रेट है, जिसकी वजह से बोरोवर्स को थोड़ी कम सहूलियत मिलती है, उन्हें रेपो रेट का कुछ ज्यादा फायदा नहीं मिल पाता है और ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम रहती है। प्रोसेसिंग फी 0.25% है लोन अमाउंट का। उसी तरह बजाज फिनजर्व का 8.45% है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 8.25%, सेम वे आप देख सकते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, IDBI का, कोटक बैंक का। तो ये कुछ मेजर बैंक्स है और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है जिन्हें बोरोवर प्रेफर करते हैं। उनका एक कंपैरिजन मैंने आपको दिखा दिया इंटरेस्ट रेट, बेंचमार्क और प्रोसेसिंग फी के टाइप में। अब आप अपना आई थिंक होम लोन जब आप लेने जाए तो इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करें, ध्यान में रखें और सही डिसीजन ले, ताकि आपको एक जो लंबा टेन्योर होगा 10 से 30 साल का, उसमें आप आराम से कंफर्टेबली अपना लोन चुका पाए और किसी तरीके की कोई परेशानी ना आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब करना मत भूले चैनल को। Thank you.